टैक्स बिहाइंड सब्जेक्ट। तो आज के टाइम पे ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जिनके बिहाइंड में टैक्स होता है। हम सीखेंगे किस तरह से हम अपनी वीडियो में वन क्लिक से टैक्स डाल सकते हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ टैक्स बिहाइंड सब्जेक्ट बल्कि उसके अलावा मैं आपको एक ऐसी एडिटिंग ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को यूनिक तरीके से बना सकेंगे और सोशल मीडिया पे जब भी अपलोड करेंगे आपके वीडियो पे लाइक ही लाइक आएंगे। तो इतनी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और हाँ, आप मेरी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करते जाना। बातें चुके काफी सारी, मैं हूं शावल अस्कर, आप देख रहे हैं 27 क्रिएटर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हमें एड ओवरले पे जाना है, यहाँ से एड ओवरले करके आपको आपने जो भी वीडियो डाउनलोड करके रखी है लिरिकल वाली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये वीडियोस कहाँ से डाउनलोड करते हैं तो मैं जो है ना आपको वीडियो में वो भी बता दूंगा कहाँ से आपको अच्छे अच्छे इस तरह की लिरिकल वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो खैर, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है सप्लाइज का ऑप्शन, ठीक है, आपको इसमें इसे फिल्टर्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, फिल्टर करके ओके कर देना है, ठीक है। तो आपको ये तो जो है ना अभी जो है ना सब्जेक्ट क्या गया पीछे तो नहीं गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको अपनी ऊपर वाली फुटेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आगे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आएगा डुप्लीकेट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ से डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट के साथ ही आपको यहाँ से इसे ओवरले कर देना है, ठीक है। तो हमने इसके दो फॉर्म बना लिए, ठीक है। तो मैं इसे जो है ना ठीक अपने वीडियो के नीचे जो है ना ला के रख दूंगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ से ना क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आगे मुझे मिलेगा, फिर से बता दूं, इस वीडियो पे क्लिक किया, स्क्रॉल करूंगा आगे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। मैं ऑटो रिमूवल पे जो है ना क्लिक करूंगा तो ये जो है ना ऑटो रिमूवल हो रहा है। अप्लाइंग वन फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा 100 होगा और हमारा जो है ना वीडियो का बैकग्राउंड पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको जो है ना कैसे हमने बीच में इफेक्ट्स डालने वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में डाले थे, ठीक है। तो इस तरह से सभी कर लेते हैं, बट हमें जो है ना अपनी वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसे म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट के पीछे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है यहाँ तक, तो आपको यहाँ स्प्लिट करके ना इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ना फिर से ऊपर आ गया, ठीक है। आपको इस टैक्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहां से जाना है लेयर में, ठीक है। तो लेयर में आपको इस तरह से ओके कर देना, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे ये फिर से आपके टैक्स के पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको क्या करना है, पीछे जाना है, ठीक है। आपको आ जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, मैंने ऑफ करके रखा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ना ये लाइटिंग क्रैक वाला जो है ना मिलेगा एक, ठीक है। तो आपको इसे ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे पूरी वीडियो पे इस तरह से अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसे पूरी वीडियो पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे वीडियो पे, ठीक है। इस तरह से मैं एक यहाँ पे स्प्लिट लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है जी, और एक यहाँ पे लगा दूंगा। तो इन स्प्लिट को लगाने का मेरा मकसद क्या है, ठीक है। मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में, इफेक्ट से बॉडी इफेक्ट्स में चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक मुझे इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो मैं इस तरह से इसे आगे ले जाऊंगा जहां पे मुझे इसे रखना है, ठीक है। तो मैं इस वाले के पास रखता हूँ इस तरह से, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। तो मैं इसे इतना कर दूंगा। इस तरह से जो है ना आप अपने मन चाहे जो है ना इसमें इफेक्ट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाले भी इफेक्ट डाल लिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सबसे जो है ना पहले पे आना है, आके आपको क्या करना है, फिर से आपको जाना है ऐसे इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में वीडियो इफेक्ट्स में, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे, अदरवाइज तो नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। इसे रोलिंग फिल्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसे लगा लेना है, इसे कहते हैं रोलिंग फिल्म। तो आपको इतने अच्छे तरीके से जो है ना हमने अपने बैकग्राउंड में सारा टेक्स्ट ऐड कर लिया, और ये जो है ना लाइटनिंग इफेक्ट जो पड़ रहा है जो हमने इसमें ऐड किया वो और भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, और आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो ये भी नीचे कमेंट जरूर करते जाना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।